हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी सिंह, आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह है मुरादनगर आरा एसटीएफ का स्टेशन और चलते हैं मोदी नगर साउथ के स्टेशन की साइड में, दिखाते हैं चल के आप सभी को तस्वीरें। तो चलिए ना देर करते हुए, देखो सारा काम हो चुका है। और आपको बता दूँ कि जो मोदी नगर के लिए चल रहे हैं दोस्तों, तो देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक सिटी के खम्भे लगा देने के बाद में उस पर इक्विपमेंट लगा दिए जाए, ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए जा चुके हैं। अब इस पर सीधा ओवरहेड वायरिंग लगाई जानी है दोस्तों। और बाकी इधर ट्रैक स्लैब भी बिछाने का काम किया जा रहा है इस साइड में, और जो साइडों की रेलिंग है दोस्तों वो भी लगा दी जा चुकी है, ये देख सकते हैं। चलते हैं मोदी नगर साउथ का स्टेशन, दिखाते हैं चल के आप सभी को। उसके बीच में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या क्या काम किया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं खंभे पे ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए जा चुके हैं, और जो बीच का डिवाइडर है उसको भी बना दिया जा चुका है। इसमें मिट्टी भी डाल दी है दोस्तों, और मिट्टी डाल देने के बाद में बस इसमें पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे दोस्तों। इसमें पौधे रोपण कर दिया जाएगा। और आगे दिखाते हैं मुरादनगर की कैनाल, क्या कैनाल को किस तरीके से क्रॉस किया है दोस्तों। क्योंकि कैनाल के आपको बता दें कि रोड के साइड से ही कैनाल को जोड़ा है क्रॉस कर। देखो लग रहा है ना, ये देखो वो ट्रैक स्लैब भी बिछाए जा रहे हैं, और इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए हैं। अब ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा, और साइडों में रेलिंग भी लगा दी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल पिलर इसलिए है कि ये थोड़ा सा कर्व ले लेता है लेफ्ट में, क्योंकि बीच में रोड आ रहा है। और ये है मुरादनगर की कैनाल दोस्तों, और यहाँ से देख सकते हैं ये बिजली की प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ से। ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। काफ़ी लंबा चौड़ा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो इधर तो देखो, इधर भी ये सारे में खंभे लगा देने के बाद में ओवरहेड इक्विपमेंट भी लगा दिया है दोस्तों। अब ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा। ये कैनाल है मुरादनगर कैनाल दोस्तों, और इसे छोटा हरिद्वार भी बोलते हैं। तो चलते हैं दिखाते चल के आप सभी को आगे दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। के पी संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को ये अच्छे लग रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और वीडियोज़ देखते रहो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर भी ये डबल पिलर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि लेफ्ट से अब फिर ये बीच वाली लाइन में आ जाता है दोस्तों, तो इसी वजह से ये डबल पिलर यहाँ पर लगाए गए बनाए गए हैं। अब के पी संत के चैनल पर दोस्तों क्योंकि बनडे से आप सभी को मैंने दिखाया है इसको कि किस तरीके से इस रैपिड रेल को बनाया जा रहा है दोस्तों, जो चलेगी इस पर डे वन पर मैंने दिखाने की कोशिश करी है इस लाइन को। तो आप लोग जाकर चैनल पर जाओ, विजिट करो और सारे वीडियोस देख सकते हो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक, जब तक ये इस रूट पर चलना स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक आप सभी को इस रूट पे के अपडेट देखने के लिए मिलेंगे के पी संत के चैनल पर दोस्तों। अब कैनाल को क्रॉस करने के बाद में दिखाते हैं चल के, देखो आप लोग खुद ही सारे डिवाइडर बना दिए जा चुका है बीच का, पहले नहीं बना था, अब इस पर बस प्लांटेशन बाकी बचा है। बाकी तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक स्लैब और ट्रैक बिछाया जा रहा है, और जो साइडों में इसकी जो रेलिंग है दोस्तों वो भी लगा दी जा चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी के खंभे पहले ही लगा दिए थे, उन पर ओवरहेड इक्विपमेंट भी लगा दिया है सारे पर ही,
बस ओवरहेड वायरिंग का काम बचा हुआ है कंप्लीट होने के लिए। और उससे पहले देख सकते हो यहाँ पर ये लाइन पर ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों किस तरीके से देखो ये स्टेयर लगाए गए हैं, ये देख सकते हो यही दोनों साइड में लगाए जाएंगे। दोस्तों देख सकते हो आप लोग कितनी तेज़ी के साथ में काम किया जा रहा है दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में मुरादनगर तक का देखा था, आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं मुरादनगर से लेकर और मोदी नगर साउथ के बीच का कि कितना कुछ काम कम्प्लीट हो चुका है, क्या क्या काम किया जा रहा है वो आप सभी अपनी आँखों से देख सकेंगे। दोस्तों देख सकते हो क्योंकि ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं इसलिए अभी डिवाइडर नहीं बनाया जा रहा है, जब डिवाइडर बनाया जाएगा तो ये सेफ्टी बोर्ड हटा दिए जाएंगे दोस्तों। और ऊपर अभी ट्रैक स्लैब बिछाया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लग गए हैं, खंभे के ऊपर दोस्तों ओवरहेड इक्विपमेंट भी लग चुका है। बस अब काम बस बचा हुआ है इस पर क्या, इस पर लाइन बिछाने का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है वो बिछाई जाएगी, रेलिंग भी लगा जा चुके हैं। तो ये सारा काम हो चुका है कंप्लीट दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, तो केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर डिवाइडर भी बनाया जा रहा है नीचे का, जो कि सेफ्टी बोर्ड हटाते चले जा रहे हैं, क्योंकि डिवाइडर बनाते चले जा रहे हैं और सेफ्टी बोर्ड हटाते चले जा रहे हैं और इसके बाद में फिर प्लांटेशन कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यही नज़ारे हैं देख सकते हो आप लोग। सारे में ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों, रेलिंग भी लगा दी है, कितनी तेज thank you।
को सेफ्टी बोर्ड हटा दिया इन्होंने और अब इस पर बीच का जो डिवाइडर है वो बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और ये आ चुका है मोदी नगर साउथ का RRTS का स्टेशन भाई, तस्वीरें देख सकते हो जिसमें रूफ टॉप के लिए जो खंभे हैं वो लगाए जा रहे हैं दोस्तों, और कौन कौन से लेवल पहले ही बन के कम्प्लीट हो गया था, तस्वीरें देख सकते हो, ये देख सकते हो। और यहाँ पर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम है वो कहाँ किया जा रहा है, चलो दिखाते हैं चल के आप सभी को। अभी तो इस पर डेंट, अभी तो डेंट पेंट भी किया जाएगा दोस्तों, अभी पेंट भी नहीं किया है। और देखो जो रूफ टॉप बनाने का जो मटेरियल है दोस्तों वो देखो, ये खराब है, मशीनें लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है ना, अब ये लगाया जा रहा है दोस्तों। इधर कुछ अलग तरीके से ये थ्रेड बनाया जा रहा है दोस्तों रूफ टॉप का। तो सारे में भाई साहब आपको बताऊँ कि ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए हैं सारे में ही, तस्वीरें देख सकते हो ये। देखो सारे में ये डिवाइडर बना दिया पूरे में, डिवाइडर बना कर इसमें मिट्टी भरी जाएगी और मिट्टी भर देने के बाद में इसमें प्लांटेशन कर दी जाएगी। देखो वो रहा मोदी नगर, देखो सारे में ही ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिया जा चुका है, लेकिन वायरिंग अभी नहीं लगाई है इसमें, वायरिंग भी अब जल्दी लग जाएगी। इस साइड में गई आपको बता दूँ कि अभी ये ओवरहेड वायरिंग का काम हो चुका है, ओवरहेड इक्विपमेंट लगा लग जाने के बाद में इसमें ट्रैक स्लैब बिछाया जा रहा है पूरी लाइन पर, क्योंकि ट्रैक स्लैब ही सबसे लास्ट में बिछाया जाता है, उस पर रेलिंग भी लगा दी है।